अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई। तो हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाने के सबसे पहले हमने एक कढ़ाई के अंदर एक पाव ऑयल ले लिया है और इसको अच्छे से हम गरम करने के लिए रखा है हमने। ये हमने 8 से 9 मीडियम साइज़ की प्याज ऐसे लच्छे में काट ली है। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा ये प्याज उसी में डाल देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया था, हमने इसके अंदर प्याज डाल दी है, इसे लाइट ब्राउन करना है। नाज़रीन आपको ये पता होगा कि जो बाहर की चिकन कढ़ाई होती है, चाहे स्ट्रीट फूड हो चाहे हाईवे चाहे रेस्टोरेंट की, तो उसमें इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। लेकिन जो हम घर में बनाते हैं चिकन कढ़ाई, तो उसमें हमें मजबूरन ग्रेवी ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि फिर वो पूरी नहीं होती। तो अगर आप प्रॉपर उसका लुक बाहर के जैसे चाहते हैं तो आप इसमें चीज़ें कम कर सकते हैं, प्याज और टमाटर को, ठीक है। लेकिन हमें पूरी करनी है इसलिए हम इसके अंदर ग्रेवी ज़्यादा रखेंगे, इसलिए हमने चीज़ें भी ज़्यादा ली। तो ये प्याज जब लाइट ब्राउन पूरी हो जाएगी फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको एक बार बताती हूँ कि जो हम हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई बना रहे हैं ये हमें फुल फ्लेम पे बनानी है और यहाँ से हटना नहीं है, ये हाथ के हाथ बनेगी कढ़ाई, ठीक है, तेज फ्लेम पर। नाज़रीन यहाँ प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई थी, अब हमने इसके अंदर एक पाव टमाटर डाल दिए हैं और इसे अच्छे से भूनना है। नाज़रीन हमने टमाटर भून लिए, इसके अंदर हमने 1 किलो चिकन ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। नाज़रीन चिकन हमें थोड़ा सा भून लिया है, हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून पीसी हुई अदरक ऐड कर दिया, इसको थोड़ा फ्राई करना है। ये हमने 2 टेबल स्पून पीसी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पीसी हुई, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हसबे जायका नमक और यह है कश्मीरी लाल मिर्ची, ये अब हम चिकन में ऐड करेंगे। नाज़रीन हमने इसमें मसाला ऐड कर दिया था जो आपको दिखाया था अभी, और वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भुना है, ये देखिए भुन रहा है। अब इसके अंदर हमें ऐड करते हैं दही। ये जो एक पाव हमने दही लिया है इसको अच्छे से फेंट लिया है और इसके अंदर हमने 10 मीडियम साइज़ की पतली वाली हरी मिर्ची और 1/2 कटी हरा धनिया उसको अच्छे से कूट कर इसमें मिला दिया है, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। नाज़रीन हमने इसके अंदर दही ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर अब पकने देंगे। जब ये भुन जाएगा और गोश्त गल जाएगा तो डिश आउट करके दिखाएंगे आपको। नाज़रीन हमारी हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई बनके तैयार हो गई है और ये देखिए कितना प्यारा लुक आया इसका, और खुशबू तो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त आई है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी हमारी, और आप ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और हमें कमेंट करके बताइएगा लाजमी कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।